नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी। दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई, एसएससी एमटीएस हवलदार डीजे एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का डाउनलोड हो रहा है। आप लोग वहां से जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, तो नीचे स्क्रॉल करते आएँगे सरकारी रिजल्ट पर, वहाँ से आप देखेंगे तो आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड नीचे दिखेगा। क्लिक हेयर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार इन सभी के जो है एडमिट कार्ड के लिंक जो है यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप यूपी बिहार वाले जो है डाउनलोड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऐसे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो दोस्तों इस समय जो है बहुत सारे बच्चे एक साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर लग गए हैं, सो प्लीज 2-4-10 मिनट बाद डाउनलोड करिए। अब आप लोगों का सीआर रीजन वालों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जो भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन आई डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नीचे जो है अपना सिटी सेलेक्ट करना रहेगा, जो सिटी सेलेक्ट करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। माना आप गोरखपुर चूज किए तो गोरखपुर से सेलेक्ट करेंगे। अब बाकी इसको जो है जो दिया है वेरीफाई हुमेन इसको फिल करके यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो भाई अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर भूल गए उनके लिए जो है बाय नेम से किस तरह से देखना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको दिखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो नेम वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम के जो है स्टार्ट के 4 अंक डाल दीजिएगा। जैसे आपका नाम सनी है तो SUNY डाल दीजिएगा, बस 4 अंक यहाँ पर लिखा भी है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर और पिताजी के 4 कैरेक्टर का स्टार्ट वाला नाम डाल दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और सिटी चुन लीजिएगा। इसको फिल करके सर्च वाले ऑप्शन पे करेंगे तो आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।